तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 14 दिन कंप्लीट करके आज 15वें दिन में एंट्री मान ली है और कल की ही तरह आज भी धमाका करने से चूक नहीं रही है। तो आज बात करेंगे जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है, कल डे 14 कैसा रहा और आज का डे 15 कैसी ग्रोथ चल रही है, मूवी ने फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, पहले 3 दिन में कितनी कमाई करी, पहले 7 दिन में यानी फर्स्ट वीक में कितनी कमाई करी और पहले 10 दिन में कितनी कमाई करी और टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी कितना कर सकती है और अभी तक कौन कौन सी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड से जवान तोड़ चुकी है, सब जानेंगे एक एक करके। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। अगर आप भी मूवी से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट्स चाहते हैं और SRK के डाई हार्ड फैन हैं तब, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के भारी भरकम बजट से बनने वाली जवान, जिसके मेन लीड पर आपको मल्टीपल रोल्स में द किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे, जिसमें संजय दत्त है, थलापति विजय है और दीपिका पादुकोण भी जबरदस्त काम कर रहे हैं। उसी के साथ सपोर्टिंग में मैं आपको कहूंगा जबरदस्त स्टार कास्ट ने ऐसे 4 चांद लगाई है कि मूवी में मजा आ गया। बाय गॉड, नयनतारा जो सेकंड लीड में थी, जिन्होंने SRK का भरपूर साथ दिया है। इसके बाद सपोर्टिंग में आते हैं तो सानिया मल्होत्रा, प्रिया मनी, सुनील ग्रोवर ने जबरदस्त काम किया है, जबरदस्त रोल को पकड़ा है। उसके बाद विलेन ने अलग ही भूमिका निभाई है और अकेला यह बंदा भारी पड़ा है SRK मल्टीपल रोल्स पर, मतलब इक्वल बैलेंस का हमें सिनेरियो देखने को मिला पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। इसी के साथ मैं कहूं तो कंटेंट इज सुपर फैंटास्टिक, सुपर अमेजिंग, स्टोरी लाइन बहुत दमदार है, करप्शन एंड सोशियो पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर बात जबरदस्त तरीके से उठाई गई है। तो बात करते हैं पहले दिन से मूवी आज 15वें दिन तक कैसी धमाका काटते हुए आई है, कैसी कमाई करते हुए आई है। तो फर्स्ट डे ह्यूज कलेक्शन किया था 130 करोड़ का पूरी दुनिया से और पहले 3 दिन में ही टोटल नेट कलेक्शन 200 करोड़ का किया था और पूरी दुनिया से पहले 3 दिन में ही 385 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था। इसी के साथ पहला हफ्ता शानदार तरीके से कंप्लीट करते हुए पहले 7 दिन में ही सिर्फ हिंदी से कमाई करी थी 327 करोड़ और टोटल नेट कलेक्शन फर्स्ट वीक में 369 करोड़। इसी के साथ पूरी दुनिया से फर्स्ट वीक में मूवी ने 660 करोड़ के ह्यूज आंकड़े को अपने खाते में रख लिया था। और पहले ही हफ्ते में चेन्नई एक्सप्रेस, वॉर, भोला, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, सत्य प्रेम की कथा, ब्रह्मास्त्र के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को खदेड़ चुकी थी। इसी के साथ सेकेंड वीक की भी शुरुआत धमाकेदार तरीके से करी और 8वें और 9वें दिन में एवरेज कमाई करते हुए 10वें दिन में सेकेंड सैटरडे का फुल फायदा उठाते हुए मूवी ने ह्यूज कलेक्शन किया, सिर्फ हिंदी से 30 करोड़ का और नेट कलेक्शन 32 करोड़ और पहले 10 ही दिनों में सिर्फ हिंदी से 396 करोड़ और ऑल इंडिया नेट से 442 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी अपने खाते में रख चुकी थी। पूरी दुनिया से पहले 10 ही दिनों में 812 करोड़ का यह आंकड़ा हो चुका था। इसी के साथ 11वें दिन में सेकंड संडे का भी फुल फायदा उठाया मूवी ने अगेन एंड पूरी दुनिया से पहले ही 11 दिन में मूवी 858.68 करोड़ यानी 859 करोड़ ही मान के चलो का ह्यूज कलेक्शन कर लिया था। बाय गॉड, पहले ही 11 दिन में बहुत बड़ा नंबर आता है ये मूवी के नाम पर। इसी के साथ बात करें 12वें दिन कैसी ग्रोथ रही, तो 12वें दिन में हिंदी से 14 करोड़ और तमिल तेलुगु से आया था 2 करोड़ नेट कलेक्शन। तो नेट कलेक्शन तीनों लैंग्वेज का कितना होता है 16 करोड़, क्योंकि ये मंडे वर्किंग डे आ चुका था 12वें दिन से, इसीलिए यहां पर कमाई डिप देखने को मिली और ग्रॉस से आया था 20 करोड़ और अपने 12वें दिन में मूवी ने कमाया था पूरी दुनिया से 26 करोड़ और पहले ही 12 दिन में सिर्फ हिंदी से मूवी ने 444 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था, जिसने KGF 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया था अपने 12वें दिन के कलेक्शन से, हिंदी के कलेक्शन से। इसी के साथ 13वें दिन में भी ट्यूसडे वर्किंग डे होने के बाद भी सिर्फ हिंदी से मूवी 12.90 करोड़ का कलेक्शन किया और टोटल नेट कलेक्शन 14.80 करोड़ का कलेक्शन हो चुका था और पूरी दुनिया से अपने 12वें दिन में मूवी ने 24 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया था। बात करें कल यानी सेकंड वेडनेसडे की, यानी 14वें दिन कैसी ग्रोथ रही, एवरेज ग्रोथ रही, क्योंकि वर्किंग डे चल रहे हैं तो यहाँ पर कमाई में डिप देखने को मिल रहा है और ये हर मूवी के साथ होता है। वर्किंग डेज में कोई भी बड़ी से बड़ी मूवी क्यों ना हो जाए, चाहे KGF 2 का नाम ले लो, चाहे RRR का नाम ले लो, चाहे बाहुबली 2 का नाम ले लो, इवन पठान का नाम ले लो, वर्किंग डेज में सारी की सारी इन फिल्मों की कमाइयाँ सब डिप खा चुकी थी, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ ऐसे रुझान देखने को मिल रहे थे। लेकिन जवान जो है इस टाइम पर भी, पहली बात तो हिंदी से बहुत बड़ा नंबर लेके आ रही,
रही है। साउथ का मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा भी रोल नहीं है, है पर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिर्फ हिंदी के बलबूते पर ये मूवी ज़बरदस्त कलेक्शन कर रही है। ऐसा ही पठान ने किया था, हिंदी के बलबूते पर पठान ने 1000 करोड़ कंप्लीट करे थे, जिसमें देखा जाए तो एक मोटा हिस्सा, मोटा पार्ट सिर्फ हिंदी कलेक्शन का था, और पठान और साउथ का तो कोई रोल ही नहीं था। जैसे पैन इंडिया मूवी में हिंदी का बहुत बड़ा हाथ होता है, जैसे पठान के समय भी था हिंदी का बहुत बड़ा हाथ, उसी तरीके से पैन इंडिया मूवीज में भी होता है। लाइक KGF 2, RRR, बाहुबली 2, अगर आप इनके हिंदी कलेक्शन को उठा के देख लो तो बाहुबली 2 ने 500 करोड़ का कलेक्शन किया था और KGF 2 ने 435 करोड़ का। अगर ये कलेक्शन ना होता तो ये मूवी क्या 1000 करोड़ से ऊपर निकल पाती? KGF 2 की बात कर रहा हूँ, नहीं निकल पाती, 800 से 900 करोड़ में ही सिमट कर रह जाती। तो कल वर्किंग डे में, 14वें दिन में अपने वर्किंग डे में सिर्फ हिंदी से 10 करोड़ की कमाई करी, ऑल इंडिया नेट से 12 करोड़ और ग्रॉस से 16 करोड़ कमाते दिखी और पूरी दुनिया से 20 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में लाई। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 14 दिन में 467 करोड़ का कलेक्शन हो चुका था और पहले 14 दिन में नेट इंडिया से 512 करोड़ और पूरी दुनिया से पहले 14 दिन में 927 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख चुकी थी। बात करें आज यानी 15वें दिन कैसी ग्रोथ है, यानी सेकंड थर्सडे को कैसी ग्रोथ चल रही है, आज भी वर्किंग डे होने के कारण ग्रोथ में डिप है, ग्रोथ एवरेज है। ओवरऑल 15 से 16% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी फुल डे ट्रेंड कर रही है और इवनिंग और नाइट में कुछ कुछ हाउसफुल शोज भी अपने खाते में रख रही है। तो आज मूवी एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से लगभग 10 करोड़ तक के आंकड़े को अपने खाते में रखेगी, जिसमें सिर्फ हिंदी से 9 करोड़ का कलेक्शन दिख रहा है और पूरी दुनिया से 18 करोड़ की कमाई ये करते नजर आएगी एंड ऑफ द डे तक। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 15 दिन में 476 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने नाम करेगी और पहले 15 ही दिनों में आज एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से 522 करोड़ के क्लब में एंट्री मान लेगी और आज पूरी दुनिया से 15 ही दिन में 945 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। इसी के साथ मूवी गदर 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को आने वाले 7 ही दिन में बीट डाउन कर देगी और बाहुबली 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन को 4 ही दिनों में खदेड़ देगी। साथ में पठान के 10 दिन के अंदर ही पठान के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन को भी खदेड़ देगी मूवी। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है कि अब 1000 करोड़ कंप्लीट करने के लिए और कितना कलेक्शन चाहिए इस मूवी को? मात्र 55 करोड़ और चाहिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ परसों यानी इस सैटरडे एंड तक ये मूवी 1000 करोड़ कंप्लीट कर जाएगी पूरी दुनिया से। आपका क्या कहना है, क्या सैटरडे एंड तक ये मूवी कंप्लीट कर जाएगी? और संडे में मुझे लग रहा है कि 1000 करोड़ क्रॉस का आंकड़ा हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये अब बताएंगे कि ऐसे में जवान का टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो सकता है? मैं मान के चल रहा हूँ जवान का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1200 से 1300 करोड़ के आंकड़े के बीच में आ जाएगा। आपका क्या कहना है, क्या मूवी अभी भी 1500 करोड़ कमा सकती है या 1200 से 1300 करोड़ में ही सिमट कर रह जाएगी? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर फटाफट जरूर देकर जाना। बाकी मूवी रिव्यू बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।